आपको पता है सबसे पहले सफाई हमारे इंडिया में तो एक ही चीज है, वैक्यूम क्लीनर तो होता नहीं है, झाड़ू से हम सफाई स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हाउ टू क्लीन वाले चीजें। बहुत जल्दी सफाई होगी, आप देखना, ये फास्ट फॉरवर्ड में ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, फटाफट सफाई शुरू हो गई है। अब देखिए झाड़ू लगाने का भी कुछ आप टिप्स देना चाहोगे? सबसे पहले झाड़ू लगाने से फायदे बड़े, मैं आपको बता दूं, इससे आपके आर्म्स बड़े मसल स्ट्रांग होते हैं, आपके फोरआर्म मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। अब पहले हमारे घर के हाउस होल्ड जो वुमेन्स रहती थी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको डॉक्टर और दाई एडवाइस करती थी कि आप प्रेगनेंसी में भी घर का काम काज करते रहिए, घर का काम काज करना भी एक वर्कआउट है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, तो इससे आप अपने फोकस होकर आपके आई कॉन्टेक्ट बड़े अच्छे हो जाते हैं, कहाँ कहाँ कूड़ा है वो देखने में आपका जो माइंड है वो और इसको एंजॉय करिए आप, मतलब सफाई देखिए कोई भी काम जिंदगी में आप एंजॉय जब तक नहीं करते उसमें आपको करने के लिए आफत लगेगी। तो मैं जिम में झाड़ू लगाना ही मेरे लिए एक एंजॉयमेंट है, इसलिए इट्स काइंड ऑफ वर्कआउट होने। और कॉर्नर से देखिए, पूरे कॉर्नर पे ये मैट होती है, तो मैट पे वो झाड़ू नहीं मार रहे हैं, मैट पे भी झाड़ू लगता है मैट पे? नहीं, हाँ बिल्कुल, झाड़ू तो देखिए अच्छा। हर जगह ही लगेगा, चाहे वो मैट हो या टाइल्स हो, लेकिन क्या है कि इसकी एक डीप क्लीनिंग भी रहती है वीकली, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसको डीप क्लीनिंग भी करना पड़ता है। सूखा क्यों मारना होता है, ये सारा का सारा कूड़ा निकल रहा है? हाँ, सूखा झाड़ू इसलिए मारना पड़ता है कि जिससे झाड़ू का अगर गीला होगा तो ये सूखा कचरा इसमें रह जाएगा। हालांकि हम मार दो पोछा भी लेते हैं, पोछा कर दो उतना काफी है, लेकिन झाड़ू से क्या है कि जो इसकी धूल है, मिट्टी है, कण है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो झाड़ू का जो ताल्लुक है वो उससे भी हमारे लक्ष्मी जी से। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल जी, लक्ष्मी जो है झाड़ू मानी गई है। हम देखिए दिवाली पे अब देखते होंगे घरों में धनतेरस की पूजा होती है, एक नई झाड़ू खरीद के लाते हैं, और फॉर्चुनेटली ये झाड़ू हम दिवाली पे ही लाते हैं। झाड़ू का जो आपको कूड़ा है इसको एक जगह आप स्टोर, इतना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, आपको यकीन होगा इतना कूड़ा कहाँ से जाता है? ये कूड़ा आपको पता है लोगों के जो पैरों से चल के जिम में आता है, और मैं इसको झाड़ू के द्वारा बिल्कुल बाहर भेजने वाला हूँ, क्योंकि कूड़ा ना घर में अच्छा लगता है, ना देश में, ना आपकी सोसाइटी में होना चाहिए। अपने आसपास सफाई का ख्याल रखिए, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां गंदगी से कूड़े से ही आती हैं। तो सफाई का विशेष ध्यान रखें, चाहे बच्चे हैं, कूड़े हैं, कोई भी है, सफाई पे आपका फोकस। इसके लिए आपको एक ये इसे हम कहते हैं डस्ट पीकर, यानी कि कूड़ा उठाने वाला एक ये इक्विपमेंट रहता है, डस्ट पैन, इसमें आप स्टोर कर लीजिए। अब इसको ले आके हम थ्रो करने वाले हैं डस्ट पीकर। झाड़ू लगाना वो लगभग क्लियर हो गया। देखिए इसमें आपको टाइम बहुत लगेगा, पर अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने कितना हाउ टू क्विक कर दिया। तो इसको अगर आप अपना एक्सरसाइज वर्कआउट समझ के करेंगे तो आप एंजॉय भी करेंगे, और आपका ये जो हैंड मसल है बॉडी। नेक्स्ट स्टेप झाड़ू के बाद जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रचलित है पोछा। अब हम पोछा लगाएंगे, और पोछे के लिए हम कुछ सामग्री यूज करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल क्लीन बकेट होनी चाहिए, उसमें आप पानी अपने हिसाब से जितना भी आपको लेना है। अभी हमारा बाथरूम भी है जो थोड़ा फिनाइल है। फिनाइल आपका क्या है कि जम्स फ्री होना चाहिए, एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए, कोई ब्रांड वाला फिनाइल आप यूज करें, मैं तो ये राय दूंगा। ये कौन सा ब्रांड है? देव फ्रेश का है। अभी ये देव फ्रेश ब्रांड है, ये अभी ऑफर में मिल रहा है, ये अभी बिल्कुल ऑफर में चल रहा है, एक के साथ एक फिनाइल इसके साथ फ्री है। और जो देव फ्रेश ये फिनाइल है, ये भी काफी आपको मार्केट से जो दूसरे फिनाइल्स है उससे थोड़ा रेट में भी। और इसमें कौन सा रोज आ रहा है ना, रोज, और इसके अंदर जो जो इसका फ्रेग्रेंस है वो रोज फ्रेग्रेंस है, बड़ा स्मेल अच्छा करता है। और कितने का है? एडवाइस करूंगा आप इसको यूज करें। ये जो है 99 रुपीज में आपको दो मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसका बताइए। फ्रेश फिनाइल, इसको आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से लगभग 100 ml तक इसमें डालिए आप। अब उसके साथ एक कोई भी अच्छी कंपनी का एक डिटर्जेंट में यूज करें, थोड़ा सा डिटर्जेंट डालें, फ्लोर क्लीनर नहीं है तो डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, लगभग 50 ग्राम। हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास फिनाइल नहीं है, आपके पास डिटर्जेंट नहीं है, तो कैसे आप घर की हाउस होल्ड चीजों से क्लीनिंग कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज है सॉल्ट, नमक। हमारे घर में नमक अवेलेबल होता है, आप थोड़ा सा नमक किसी भी पानी में डालें और उसके बाद इससे आप पोछा लगाएं, तो आपका घर जो है बैक्टीरिया जर्म्स फ्री हो जाएगा, मक्खी मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम नमक भी यूज करते हैं थोड़ा कभी कभार, चलो आज कर लेते हैं, वैसे तो हमारे पास सही चीज है, लेकिन थोड़ा
थोड़ा ना। के लिए एक पोछा लें आप, फ्रेश बिल्कुल पोछा आपका साफ सुथरा धुला हुआ पोछा होना चाहिए। उसको फिर इसमें अच्छे से आप सब सॉफ कर लें, मतलब सॉफिंग मतलब भिगो लें बिल्कुल अच्छी तरीके से, और फिर से अच्छे से निचोड़ लें, ताकि ज़्यादा गीला नहीं करना है फ्लोर, क्योंकि गीले फ्लोर पे वो धूल मिट्टी उसी पे चिपका रह जाएगा। निचोड़ें आप थोड़ा, ज़्यादा भी ना निचोड़ें थोड़ा। अच्छा, उसके बाद दो प्रोसेस है, एक तो हम वाइपर अपने घर में होने होते ही हैं, वाइपर रहते हैं, वाइपर्स पे आप इसको पोछे को हाफ डाउन हाफ अप करके थोड़ा इस टाइप का बना लें तो बड़ा इजी हो जाएगा ये आपके लिए। आपके आर्म्स का वर्कआउट भी होगा इससे, आपके फोर आर्म्स बाइसेप्स का वर्कआउट भी होता रहेगा, और आप एक अच्छी क्लीनिंग भी कर रहे हैं। फ्लोर पे आपके पानी के डस्ट पार्टिकल के निशान है, इतना सूखा भी ना हो कि डस्ट पार्टिकल रिमूव भी नहीं हो, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपने। पोछा थोड़ा गीला भी होना चाहिए और थोड़ा ज्यादा गीला भी। सफाई करते करते वर्कआउट भी करें जिम में तो और अच्छा है। वैसे यही वर्कआउट है सफाई। हाँ। ये वार्म अप हो गया, ये वार्म अप हो गया और वर्कआउट हो गया। डस्टिंग भी बहुत जरूरी है, मशीनों पे आपके काउंटर पे हर चीज पे धूल जम जाती है, उसको कैसे रिमूव करें। सबसे पहले मोटा मोटा बोला अपने कॉफी के स्टेन रिमूवर आ गए हैं, हम अभी कॉलिंग यूज करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा स्टेन रिमूवर है, तो इससे आपका ग्लास वगैरह सबसे पहले स्टार्ट विद द काउंटर, थोड़ा सा कॉलिंग मारना है, उसके बाद एक बिल्कुल अच्छा साफ कपड़ा लेना है, कपड़ा कोई भी हो सकता है आपका घर का, जुराब रुमाल कुछ भी आप यूज करें, लेकिन कपड़ा साफ होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्केट से खरीद के लाएं, पानी है पानी में थोड़ा नमक डालिए और उसके साथ एक घर का कोई भी कपड़ा लेके क्लीन कपड़े से आप कुछ भी क्लीन कर सकते हैं। ग्लास की सफाई कर रहे हैं, मान लीजिए ग्लास पार्ट है आपका, टेबल हो आपका, घर का मिरर हो, तो ग्लास के लिए मैं आपको कपड़े से ज्यादा एडवाइस करूंगा, कोई एक अच्छा सा अखबार का टुकड़ा आप उसको यूज करें। ये कोई भी अखबार का टुकड़ा आप ले लें, ये देखिए साउंड आपको सुनाई देगा इसमें, तो ये आप लगा लीजिए बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो रहा है। सफाई का अपना जो पूरा प्रोसेस है हमारे पैंथर जिम का, फर्स्ट ऑफ ऑल झाड़ू, उसके बाद पोछा, फिर जैसे क्लीनिंग डस्ट क्लीनिंग और ये चीजें, तो ये दिस इज आम संदीप कुमार फ्रॉम पैंथर जिम गुड़गांव। अगर आपको हमारा वीडियो लाइक अच्छा लगा और आपको ये प्रोसेस फॉलो करते हुए आपका बॉडी वर्कआउट भी कर सकते हैं और सफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं टाइम टाइम पे आपके लिए नए नए वीडियो लाके लाता रहूँगा।